प्रदेश के औद्योगिक विकास लघु सूक्ष्म उद्योग व प्रोत्साहन मंत्री सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए एक अच्छा माहौल दिया जा रहा है। उद्यमी अपना उद्योग प्रदेश में स्थापित करें, क्योंकि यहां उद्योग स्थापना की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल डिजिटल क्लियरेंस प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंत्री सतीश महाना ने कहा कि 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 65,000 करोड़ रुपए के नए उद्योग का शुभारंभ करेंगे। उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पिछली सरकार के उद्योग धंधों को बंद करने का काम किया गया था और हम उसे शुरू करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उद्योग व प्रोत्साहन मंत्री सतीश महाना ने कहा, देखिए अब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के साथ सरकार का एक सीधा कनेक्ट बनाने का एक दौर शुरू हुआ। पहले इंडस्ट्रीज के और गवर्नमेंट में डिसकनेक्ट था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आनी नहीं चाहती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर यह निर्णय किया गया कि हम हर मंडल के ऊपर मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में जाकर इंडस्ट्री से बातचीत करें, उनके सुझाव और उनकी समस्याओं को सुनें और उसके अनुसार उनका निराकरण भी करें। उसने मैं कई मंडलों में गया था, उसमें गोरखपुर की महत्वपूर्ण आज बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। इंडस्ट्रीज के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, हमने उनको भी नोट किया है, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और आप जो तत्कालिक समस्या का समाधान हो सकता था उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और एक मैंने कहा ना, एक कनेक्शन इंडस्ट्रीज के बीच में और सरकार के बीच में, सरकारी विभागों के बीच में, उस निमित्त आज यहाँ पर आए थे। देखिए टारगेट तो बहुत हाई होता है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग का टारगेट रियल इंडस्ट्रीज को ग्राउंड में इंडस्ट्री लगाने से संबंधित होता है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और संतोष की बात है कि पिछले साल 29 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी लगभग 61,000 करोड़ रुपए की थी और 81 उसमें इंडस्ट्रीज थी। उस 81 इंडस्ट्रीज में से 79 इंडस्ट्रीज के ऊपर काम चालू है, जिसमें से लगभग 40 में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। महत्वपूर्ण बात वो है, उसके बाद दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग की बात शुरू होती है। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसी इंडस्ट्रीज जिन लोगों के समस्याओं का समाधान था, जो उनके कंसर्न्स थे, चाहे वो जमीन से संबंधित हों, चाहे विद्युत से संबंधित हों, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हों, चाहे वन विभाग से संबंधित हों, सारी के सारी मैंने स्वयं हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और सारे इंडस्ट्री से संबंधित जितने विभाग हैं सबके प्रमुख सचिवों के साथ हम लोग बैठक करते हैं और जिन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि वो उस इंडस्ट्री को शुरू करेंगे, उनकी समस्याओं को हमने विगत एक वर्ष में 4 बार डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, जिससे उनका समाधान भी हुआ और वो संतुष्ट भी हैं। और उसी कारण आने वाली 28 तारीख को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज का शुभारंभ होगा। मैंने बताया कि 81 में से 79 के ऊपर काम शुरू हो गया है, केवल 2 छोड़ दें, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है, जिसमें 40 से ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। भूमि पूजन का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री बनना शुरू हो जाए। कई लोग इंडस्ट्रीज टाइम ही लेते हैं कि हम 2 साल 2.5 साल के अंतर्गत हम अपनी पूरी इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन उस 79 में से एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके ऊपर काम ना शुरू हो, केवल 2 को छोड़ के, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिसी मैटर्स थी, एक को रिजॉल्व कर लिया गया है, दूसरे को भी हम रिजॉल्व करने की स्थिति के अंतर्गत हैं। तो पूरी 81 इंडस्ट्रीज के ऊपर काम शुरू है। जो बात आपके द्वारा कही जा रही है कि उसमें जो दावे नहीं किए गए उसकी पूरी सूची है और मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप कभी भी देख सकते हैं। टिप्स दिए हैं पूर्वांचल में जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमने उसमें जो इंसेंटिव्स देने की बात करी है, जो GST स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो जितनी उसने इंडस्ट्री का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके 300% तक वो जो GST देंगे उसमें से हम उनको वापस करेंगे। तो ये पूर्वांचल के और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए हमारी पॉलिसी में पहले से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स हैं, जिसके कारण पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग आकर्षित होकर आएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली पिछले हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बात और गौरवशाली बात ये थी कि प्रदेश का हर जिला अपने एक एक प्रोडक्ट के लिए मशहूर होता था। जैसे गोरखपुर की बात कर लें तो यहाँ का जो वो खैर सेरेमिक टेराकोटा से संबंधित था वही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। तो वो उसमें आप जब 1 District 1 Product में हमने उसको लिया है तो उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम छोटे उद्यमियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं और हम हैं अगले स्टेट में कर्जा लेंगे। हम उसमें हमने उसको इंसेंटिव्स भी देते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके बैंक्स उनको लोन दिलाने के लिए मदद करते हैं। अगर वो उनको 25% वो अपना शेयर देते हैं और लगभग 25% हमारा स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो उसके कारण इंडस्ट्रीज में कुछ बहुत छोटे इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से उसमें उनकी रुचि है, वो काम करना चाहते हैं। उसमें हम और भी महत्वपूर्ण योजनाएँ विशेष रूप से जो
वो उनका उद्योग चलाने के लिए जो इनपुट होता है, और विशेष रूप से इंडस्ट्री को लगाने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद उनकी जो सेल की बात होती है वो महत्वपूर्ण होती है। वो हमने बड़ी बड़ी कंपनी अमेज़न के साथ उसका हमने कनेक्ट किया है, और अमेज़न के द्वारा पिछले 6 महीने के अंतर्गत ही लगभग 30 लाख रुपये से ज़्यादा का उत्पाद उनको द्वारा ODOP के द्वारा खरीदा गया है। ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम 2 मंडलों के अंतर्गत खादी का वस्त्र बच्चों को देने का हमने निर्णय किया, और हम दे रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। उस बजट में, उस बजट के अंतर्गत देंगे उस बजट को, क्योंकि हमारे बहुत सारी जो छोटी छोटी जो मिलें थी, जो जिसको हमें खादी कहें, वो पिछले दिनों बंद हो गई थी, उनको भी चालू करके उनको भी रिवाइव करेंगे। पिछले दिनों सब कुछ बंद हुआ था, अब चालू करने का काम हमने शुरू किया।